हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। क्लिनिकल प्रॉब्लम्स में जो है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो है सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, जिसके समाधान के लिए नैदानिक मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सक जो हैं वो हमेशा ही प्रत्यनशील रहते हैं। और मनोदैहिक विकृति के द्वारा हम जो है वो यह एक ऐसी विकृति है जिसके लक्षण शारीरिक और दैहिक होते हैं। तो उन्हीं लक्षणों को और उन्हीं के लक्षणों, उसके कारण और उसमें उसके अंतर्गत कौन कौन से और भी विकृतियां उसके अंतर्गत होती हैं, उसी के बारे में आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता क्या है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर इज अ सीवियर क्लिनिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑलवेज कंसर्न एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसको हम लोग दो नाम से भी जानते हैं, साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। यहाँ पे सोमेटिक का मतलब है दैहिक, हमारा शरीर, और साइको का मन है हमारा मन। और यह जो है वो एक सीवियर क्लिनिकल प्रॉब्लम। क्लिनिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि साइकोपैथ प्रॉब्लम हो गया, अल्कोहल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत आती हैं, उसी में से एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। और इसे हम लोग जो है वो साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। और साइकोसोमेटिक टर्म वॉज फर्स्ट वॉन बाई हर्मिथ 1818. It was introduced with the study of effect of emotion on the various body organs. साइकोसोमेटिक जो टर्म है उसको सबसे पहले जो है वो हर्निथ ने 1818 ईस्वी में से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। और उसके बाद जो है वो इसमें यह बताया गया कि ये जो है वो इमोशन से रिलेटेड होता है, जो हमारे सारे बहुत हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है। इसी को कंटिन्यू करते हुए जो है वो फ्रायड ने भी इसमें ऐसा विश्वास जताया है कि दैट द पेंट अप साइकिक एनर्जी डज फाइंड इट्स एक्सप्रेशन इन फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन। और उसी तरह अलेक्जेंडर ने बताया है कि ईच टाइप ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर मे बी कनेक्टेड विथ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रेस। कहने का मतलब ये कि हमारा जो फिजिकल कंडीशन है वो हमारा अफेक्टेड होता है हमारा इमोशनल कंडीशन के द्वारा। और हम और स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रेस जो होता है वो हमारे किसी न किसी हमारे बॉडी से जो है कनेक्टेड हमारा होता है, जो हमारे डिसऑर्डर्स में तब्दील होता है। उसी तरह अकॉर्डिंग टू रेबर के द्वारा अगर इसका डेफिनेशन को पढ़ें तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर इज़ यूज्ड फॉर एनी डिसऑर्डर विद सोमेटिक मैनिफेस्टेशन दैट आर यूज्ड टू हैव एटलीस्ट अ पार्शियल कॉग्निटिव एंड इमोशनल एटियोलॉजी दैट आर टू सम डिग्री साइकोलॉजिकल। कहने का मतलब ये है कि मनोदैहिक विकृति का तात्पर्य उस विकृति से है जिसके लक्षण दैहिक होते हैं तथा जिसका कारण कम से कम आंशिक रूप से संज्ञानात्मक तथा संवेगात्मक अर्थात मनोवैज्ञानिक जो है वो होता है। इस प्रकार मनोशारीरिक विकृति एक और कार्यात्मक विकृति तथा स्नायु विकृति तथा मनोविकृति से भिन्न है, जिसमें लक्षण तथा कारण दोनों प्रायः मानसिक और मनोवैज्ञानिक होते हैं। और दूसरी ओर मस्तिष्क विकृति से भिन्न है, जिसमें लक्षण मानसिक तथा कारण दैहिक और शारीरिक होते हैं। और मनोदैहिक विकृति में जो है लक्षण शारीरिक तथा कारण मनोवैज्ञानिक होते हैं। और ये जो है वो अक्सर जो है वो डिसऑर्डर में तब्दील जो है वो हो जाते हैं। इसको जो है वो बहुत अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा 10 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, तीसरा है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, चौथा है हमारा स्किन डिसऑर्डर, पांचवा एंडोक्राइन डिसऑर्डर, छठा है जेनी यूनरी डिसऑर्डर, सेवन्थ है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, आठवां है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, नाइन्थ है हेमिक एंड लिम्फेटिक डिसऑर्डर, और टेंथ एंड लास्ट है डिसऑर्डर ऑफ स्पेशल सेंस ऑर्गन। तो इस तरह से जो है वो हमारा APA के द्वारा जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा जो है वो किया गया है। इसको एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर इज टोटली रिलेटेड टू आवर स्टमक
और यह जो है वो स्टमक और आंत से रिलेटेड है। अधिक तनावपूर्ण स्थिति में अधिक दिनों तक रहने के कारण पाचन क्रिया में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, जिसमें आमाशय विकृति हम लोग इसको कहते हैं। और विभिन्न तरह के प्रयोगों के द्वारा, पशुओं पर से प्रयोग के द्वारा जो है इसे जो है वो साबित किया गया है कि अगर असंवेगात्मक अनुभूति होने की वजह से किसी तरह के नकारात्मक संवेगात्मक अनुभूति होने पे डाइजेशन पे उसका असर जो है वो पड़ता है, और संवेगात्मक उत्तेजना हट जाए तो फिर उसके बाद जो है वो यह जो है वो फिर से जो है वो ये जो है वो शुरू हो सकता है, मतलब नॉर्मल व्यक्ति हो सकता है। यह प्रयोग जो है वो अक्सर जानवरों पे करके इसको जो है वो देखा गया है। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां आती हैं जैसे कि पेप्टिक अल्सर, एनोरेक्सा नर्वोसा, क्रोनिक गैस्ट्रेसिस एंड कोलाइटिस। और इसमें जो है पेप्टिक अल्सर जो जिसमें कि पेट के घाव के नाम से हम लोग जानते हैं, और इस मनोदैहिक रोग का लक्षण है कि रोगी की आँख में घाव हो जाता है और रोगी के पेट में दर्द रहता है, और इसके साथ साथ प्रायः उसे उल्टियाँ भी होती हैं, और अधिक गंभीर अवस्था में होने पर रोगी के पेट से खून भी निकल आता है, और घाव के फटने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस डिसऑर्डर। और उसके बाद जो है वो हमारा एनोरेक्सा नर्वोसा है। एनोरेक्सा नर्वोसा जो है वो आमाशय आंत की विकृति का एक प्रकार है, और इसमें जो है वो रोगी को भूख की कमी हम देखते हैं, लक्षण इसमें प्रधान होता है, और इसका मुख्य कारण जो है वो संवेगात्मक कारक ही होता है, और ओवर प्रोटेक्शन के कारण बच्चों में अधिकतर जो है वो ये रोग जो है वो माता पिता के द्वारा ओवर प्रोटेक्टिव जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में जो है वो एनोरेक्सा नर्वोसा जो है वो अधिकतर ये चीज़ देखने को जो है वो मिलती है। तो इस तरह से जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो डेवलप होते हैं। उसी तरह क्रोनिक गैस्ट्रेसिस जो है वो, इसमें जो है वो यह विकृति जो है वो अपच इनडाइजेशन के कारण होता है। रोगी में जो है वो इसमें नौशिया, हाइपर एसिडिटी के लक्षण जो है विकसित होते हैं, और इसका भी कारण जो है वो मनोवैज्ञानिक ही होता है। कोलाइटिस जो है वो इसमें इसका संबंध भी जो आमाशय गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से ही है। इसका मुख्य लक्षण जो है वो इसमें कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द और अनियमित जो है वो खान पान की वजह से जो है वो ऐसा डेवलप होता है। इसमें जो है वो खून के साथ साथ जो है वो खून भी जो है वो जब हम मल त्याग करता है व्यक्ति तो उसके साथ साथ जो है वो खून भी निकलता है। तो ये भी जो है बहुत ही खतरनाक होता है, अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो आगे चल कर ये भयंकर रूप धारण कर लेता है। सेकेंड है हमारा जो डिसऑर्डर है जो APA के द्वारा डिवाइड किया गया, उसमें कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो है वो ये हृदय से संबंधित है, और हृदय तथा रक्तवाहिका जो है वो ब्लड वेजल से संबंधित मनोशारीरिक विकृति है, और इसीलिए इसको जो है हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर बोलते हैं। यह जो है वो टोटली हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। इसके अंतर्गत जो बीमारियां आती हैं वो माइग्रेन, हेडेक है, हार्ट डिजीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सब है। माइग्रेन में जो है वो अक्सर जो है वो सिर के दाएं भाग में कभी बाएं भाग में जो है वो एक पार्ट में दर्द होता है, और जिस तरफ दर्द होता है उस तरफ जो है वो कार्नियल आर्टरी फैल जाती है। अधिकांश परिस्थिति में यह दर्द मनोवैज्ञानिक आधार वाला होता है, और केवल कुछ परिस्थिति में इसका आधार जो है वो दैहिक होता है, और यह दर्द जो है वो समय बीतने की मियाद पूरा हो जाने पर खुद ही अपने आप समाप्त भी हो जाता है, और इसको दूर करने के लिए हम दवाइयाँ वगैरह उपयोग करते हैं। और बहुत सारे चीज़ों में ये भी देखा गया है कि यह जो है वो हेरिडिटरी भी होता है और अपने अपने मूड पे भी डिपेंड करता है ये, लेकिन अक्सर इस ये भी एक फाइंडिंग्स में है कि इसका कारण जो होता है वो इमोशनल या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहने के कारण होता है। हार्ट डिजीज़ इज़ आल्सो रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। ये भी जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर से ही रिलेटेड है हार्ट, क्योंकि कार्डियक है तो नेचुरली ये हार्ट डिजीज़ तो इसमें इसको इम्पॉर्टेंट है, इसमें रखना ही है। तो इसमें जो है हमारा जो है वो मनोदैहिक जो हृदय वाहिका विकृति जो है वो इसको कहते हैं। और बहुत सारे अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग जो है वो हृदय रोग से पीड़ित होते हैं उनके रोग को कोई दैहिक आधार नहीं होता। हृदय रोग की स्थिति संवेगात्मक तनाव के कारण जो है वो, अगर हम बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं तो हमारा रक्तवाहिका जो होता है, जो वेजल होते हैं वो उसके रक्त में रक्त जो है वो जम जाता है और आर्टरी बंद हो जाती है, जिससे जो है वो एक अवरोध पैदा होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो हार्ट अटैक, इस तरह की स्थिति जो है वो बनती है।
और उसी से उसके बाद है हमारा हाई ब्लड प्रेशर, जिसको कि आजकल हम जो है वो बहुत ही ये कॉमन प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हमारा जीवन जो है वो बहुत भाग दौड़ वाला था और अभी भी है, अभी भी जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जी रहे हैं, तो इसमें जो है वो हाइपर टेंशन, हेडेक, इरिटेशन होना जो है वो स्वाभाविक है। तो इस परिस्थिति में भी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। हमारा थर्ड है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो पूरा जो है वो श्वसन विकृति के अंतर्गत जो है वो आता है, सांस की प्रक्रिया के द्वारा होती। इसमें रोगी जो है वो सांस लेने से संबंधित कठिनाई होती, इसमें व्यक्ति जो है दम फूलना, दम घुटना, फेफड़े में दबाव का अनुभव होना, ये सब लक्षण जो इसमें पाए जाते हैं। और श्वसन विकृति के अंतर्गत जो है वो दमा, सामान्य सर्दी, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइनल स्पैज्म, कहने का मतलब कि जो सांस नली में जो ऐठन महसूस होना, हे फीवर, साइनस, ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें कॉमन प्रॉब्लम जो हैं होती हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये जो दवाइयों के इसमें दवाइयाँ और इनहेलर जो है वो हमें लेना पड़ता है अपने श्वसन विकार को दूर करने के लिए, लेकिन इसका भी आधार जो है वो हमारा स्ट्रेसफुल सिचुएशन और हमारा संवेगात्मक प्रक्रिया ही है। हम जो है संवेगात्मक रूप से यदि अपने आप को हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, हाइपरटेंशन में रहते हैं, तो वो अटैक जो है वो अस्थमा का अटैक जो है वो आता है। स्किन डिसऑर्डर जो हमारे त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम जो है वो ये हैं, और स्किन डिसऑर्डर जो है वो त्वचा में त्वचा की जो प्रतिक्रिया तथा संवेग के बीच में गहरा संबंध होता है। विभिन्न संवेगात्मक अनुभूतियों के बीच जो है वह त्वचा की प्रतिक्रिया जो है वह स्पष्ट रूप से अलग होती है। कहने का मतलब कि जब हम भय की हालत में होते हैं तो हमारा चेहरा पीला पड़ जाता है, क्रोध की स्थिति में हमारा चेहरा जो है वो रेड हो जाता है, और जब हम शाई या लज्जा की स्थिति में होते हैं तो हमारा चेहरे का रंग कुछ विशेष ढंग का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसा फील करते हैं हमारे स्किन पे उसका प्रभाव जो है वो हम देखने को हमको मिलता है। तो उसमें हमारा है न्यूरोडर्मेटाइटिस और दूसरा है एलर्जिक एक्जिमा। न्यूरोडर्मेटाइटिस जो है वो ये त्वचा संबंधित एक विकृति है। इसमें जो है वो उंगलियों, होंठ के नज़दीक अक्सर जो है वो त्वचा में जो है वो जलन और लहर जैसा चीज़ जो है वो विकसित होता है, और ये जो है वो एक तरह का एक इमोशनल या कह सकते हैं कि इमोशनल, जब हम विभिन्न तरीके से कुछ महसूस करते हैं तो हमारे जो है वो ऐसा जो है वो स्किन पे जो है इसका रिएक्शन जो हमें देखने को मिलता है। एलर्जिक एस्थमा एक्जिमा जो है वो भी जो है वो त्वचा से संबंधित विकृति है। इसका आधार जो है वो मनोवैज्ञानिक कारक है, और अध्ययनों से पता चलता है कि दमित आक्रमणकारी प्रवृत्ति के कारण यह विकृति जो है वो विकसित होती है एक्जिमा, और जिसको हम जिस इसके अंतर्गत जो है वो बहुत सारे चीज़ निकल के जैसे स्टिग्मा हो गया, और जैसे कि चकत्ता दाग दाग निकलना, ये सब चीज़ें जो है वो एलर्जिक एक्जिमा के अंतर्गत आता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंतर्गत हमारा जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म आता है, ऑब्सिटी एंड अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर, इमोशनल फैक्टर प्ले अ क्रूशियल रोल। इसके अंतर्गत जो है वो हमारा एंडोक्राइन डिसऑर्डर, इसके ये जो हमारा पूरे ग्रंथियों से रिलेटेड होता है, और थायराइड सा प्रॉब्लम जो है अभी के टाइम में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलता है। पहले यह जो है वो थायराइड वगैरह जो है वो पहले जो है वो बहुत एक उम्र के बाद और कम लोगों में देखा जाता था, अब जो है वो बच्चे भी जो है वो थायराइड से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ हैं उनको लेनी पड़ती है लाइफ टाइम, क्योंकि वो सिचुएशन, उस तरह के सिचुएशन में हम रह रहे हैं, उस तरह के वातावरण हमारे पास है, तो उसका प्रभाव हमारे ग्रंथियों पे पड़ता है, उसके कारण ही जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म जैसे प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलते हैं। उससे रिलेटेड हमारा ऑब्सेसिटी जो है, उससे वो एक मोटापा भी जो है अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है आज के दौर में, और इसका कारण भी जो है वो एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंतर्गत ही आता है, और इसमें इमोशनल फैक्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करते हैं। इसके बाद हमारा जेनी यूरिनरी डिसऑर्डर है। इसके अंतर्गत जो है यूरिनरी डिसऑर्डर जो है आते हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर आते हैं, सेक्सुअल डेविएशन आते हैं। यूरिनरी डिसऑर्डर जो विकृति जिसमें संवेगात्मक कारक जो है वो इसका पर्याप्त मात्रा में जो है वो यूरिन का बाहर न निकलना, और या यूरिन का रुक रुक के होना, और यूरिन में जलन होना, ये सब चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। साइकियाट्रिस्ट तथा साइकोलॉजिस्ट ने इसका मुख्य कारण जो है चिंता और आक्रमणकारी दमित प्रवृत्ति बताया है।
और साइकोएनालिस्ट जो हैं बच्चों के बिछावन पर यूरिन करने की आदतों के निर्माण में माता पिता तथा अभिभावक के प्रति दमित वैर भाव का ही इसका कारण बताया है। कहने का मतलब ये कि बच्चे के मन में यदि माता पिता के प्रति आक्रमणकारी प्रवृत्ति है और उसको वह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो वह जो है वो यूरिन को बेड वेटिंग करके जो है वो इस चीज़ को जो है वो निकालता है। तो एक अनकॉन्शियस ये चीज़ें जो हैं वो होती हैं, तो ये भी जो है वो जेनरेटरी जेनी यूरिनरी डिसऑर्डर के अंतर्गत जो है आते हैं। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो है वो जो कि हम एक महामारी से संबंधित डिसऑर्डर है और इसके अंतर्गत जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो खास करके महिलाएं जो हैं इससे संबंधित होती हैं और यह विकृति जो है मनोवैज्ञानिक कारणों से विकसित होती हैं। तो इसे नैदानिक मनोदैहिक विकृति कहा जाता है और इस विकृति का मुख्य लक्षण यह है कि जो पीरियड्स होने के टाइम में अधिक दर्द का अनुभव होना या फिर इस ये चीज़ें जो है रुक रुक के होती हैं, बिल्कुल ही रुक जाती है, मतलब ये इसमें जो है वो रेगुलरिटी नहीं होती है तो इससे जो है वो परेशानी जो है वो होती है। सेक्सुअल डेविएशन भी जो है वो जेनी यूरिनरी डिसऑर्डर के अंतर्गत ही आता है और इसके अंतर्गत जो है वो सेक्सुअल फ्रिजिडिटी और इम्पोटेंसी जैसी चीज़ें जो है वो इसमें आती है सेक्सुअल डेविएशन के अंतर्गत। तो ये भी दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू इमोशनल दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इसके अंतर्गत जो है वो ये आता है। इसके बाद आता है हमारा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जो है वो हमारे जो है वो हड्डियों से रिलेटेड होता है, हमारे जो है वो स्केलेटल हमारे हड्डियों के ढांचे से रिलेटेड होता है। जब व्यक्ति जो है वो बहुत स्ट्रेस या अत्यधिक किसी इमोशनल एंजाइटी से रिलेटेड जब व्यक्ति गुजरता है तो उसके बदन में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, मसल में दर्द होना, ये सर में दर्द होना, हेडेक होना और बहुत सारे अर्थराइटिस के प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। और जब व्यक्ति हम रिलैक्स होते हैं, जब हम कूल होते हैं, काम होते हैं तो उस दौरान हमारे बॉडी में पेन हम अनुभव नहीं करते, ये हमारा नॉर्मल जीवन की प्रक्रिया है। तो यदि ये चीज़ें इमोशनल जो डिस्ट्रेस है हमारा यदि बहुत लंबे समय तक खींच जाता है तो वो जो है वो हमारा बैकएक होना, मसल क्रैम्प्स होना, टेंशन होना, हेडेक होना और विभिन्न तरह के एथराइटिस का जो है वो एक काउजेस बनता है। तो ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह है हेमिक डिसऑर्डर। हेमिक डिसऑर्डर जो है ये हमारे ब्लड से रिलेटेड होता है, जो कि हमारे जब हम किसी तरह के संवेगात्मक अनुभव करते हैं, नकारात्मक संवेगात्मक अनुभव करते हैं और तो इसका असर जो है हमारे ब्लड के फ्लो पे पड़ता है और इसके द्वारा जो है वो हमारा ब्लड का फ्लो जो है वो उसमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है और इस तरह से जो है वो एक डिसऑर्डर जो है वो हमारे अंदर जो है वो डेवलप हो जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि हमारा ब्लड का फ्लो यदि डिस्टर्ब होता है तो हमारा ऑर्गन्स भी जो है वो डिस्टर्ब होगा, जैसे कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है या हमारा ब्रेन का फंक्शन है वो हमें प्रभावित जो है वो होता है। तो इसलिए जो है ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत आता है और इसका इम्पैक्ट जो है वो अदर क्लिनिकल प्रॉब्लम्स पे भी जो है इससे रिलेटेड जो है वो हो जाते हैं। तो ये जो है वो हमारा नेक्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक आएगा वो हमारा दूसरे टॉपिक पे होगा। तब तक के लिए उसके लिए वेट कीजिए। थैंक यू।